रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को मदद के तौर पर कुछ और एंटी टैंक मिसाइल दी गई, जिसका यूक्रेन की फौज ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के 3 सैनिक अपनी गाड़ी से एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को नीचे उतारते नजर आए। एक के बाद एक करीब 10 मिसाइलों को सावधानी से नीचे रखा गया, जिसके बाद एक सैनिक ने एक मिसाइल को खोलकर दिखाया भी। युद्ध के लिए दी गई इस मदद से यूक्रेन के सैनिक गदगद हो गए और दावा किया कि अब वो आसमानी हमले तेज कर रूसी फौज को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे। यानी अब रूस पर यूक्रेन के पास हवाई हमले के विकल्प और ज्यादा हो गए हैं। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से वो रूसी फौज टॉप एंगल से अटैक कर पाएगा और इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को जरूरत के मुताबिक कहीं भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसका वजन मात्र 12 किलो 500 ग्राम होता है, लेकिन 800 मीटर के रेंज में ये अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है। दागो और भूल जाओ वाली इस मिसाइल से इतनी विस्फोटक क्षमता होती है कि ये टैंक को भी फौरन ध्वस्त कर सकती है। ब्रिटेन की सेना इस मिसाइल सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल करती है। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद से ब्रिटेन यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें भेजता रहा है। वहीं यूक्रेन ने रूसी टैंकों और कुछ हथियारों को तबाह करने का दावा किया। उसने सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें शहर के बीच खड़े एक टैंक में जोरदार धमाका होता दिखा। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन ने रूसी सेना को हवाई हमले में नुकसान पहुंचाने की बात की। जारी वीडियो में बॉम्ब गिराने के बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया।